आप देख सकते हैं। तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है न्यूज 18 की टीम और वहां पर बताया कि किस तरह की स्थिति अभी है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब जैसे इस हादसे की सूचना मिली उसके बाद ट्वीट्स का भी सिलसिला शुरू हुआ है। इसी हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट आया है, उन्होंने लिखा है कि ओडिशा के बालासोर में एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना हुई है जिसमें लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मेरा दिल शोक संतप्त परिवारों के लिए जाता है। मैं बचाव कार्य की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। ये ट्वीट करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी संवेदना जाहिर की है, दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके दुख जताते हुए लिखा है कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, घायल जल्द स्वस्थ हों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपनी बातें रखी और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है, ये भी ट्वीट में अपनी जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट करके आपको वो भी बता देते हैं। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा बेहद पीड़ादायक है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और अन्य टीमें भी बचाव अभियान में शामिल होने के लिए जा रही हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा होगा, रात का वक्त है और इस लिहाज से दो ट्रेनें चूंकि चपेट में आई हैं मालगाड़ी के साथ साथ, तो इस लिहाज से बेहद जरूरी हो जाता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द संपन्न करना, इसको पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस खबर के बारे में जानने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस हादसे में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के साथ हमारी गहन संवेदनाएं हैं, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जगन्नाथ सभी की रक्षा करें। और इसी के साथ एक उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हुए आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी रनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात से।